भारत माता की सरकार के हमारे पंचायत मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी, जो आपके इस इलाके के विधायक भी हैं और मेरे साथ बैठे हुए अभी तक जो लोकसभा में अपना यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कुछ दिन अभी और भी कराएंगे, हमारे संजय भाटिया जी, कल गृह मंत्री हरियाणा, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा, उन्होंने एक शब्द मेरे साथ लगाया था और वही शब्द मैं संजय भाटिया जी के साथ लगा देता हूँ। अब संजय भाटिया रहेंगे या संजय त्यागी हो जाएंगे, इन्होंने और मुझे आगे कर दिया कि आप जो है लोकसभा के चुनाव की टिकट आपको दी जाती है, आप जवाब दो। देखो भाई बहनों, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि किसी को भी अपने हाथ से और जगह पर बैठा देना, ये बहुत बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। ये अगर कांग्रेस में होती है तो कांग्रेस के लोग अगर कोई एक कुर्सी पर बैठ जाए तो उसको छोड़ने के लिए कह दे तो नानी मर जाती है, तो बता नहीं है कोई। और क्या कहेंगे, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, कुर्सी नहीं पकड़ दिया। और अगर कोई धक्के मार के निकाल भी दे तो उस पर बैठने वाले एक नहीं दर्जनों हो जाते हैं, और वो दर्जनों कोई नहीं, कोई नहीं, तो दर्जनों जो होते हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठने की तैयारी करते हैं, किसी दूसरे को बैठने नहीं देते, कुर्सी उठा लेंगे और उसकी चार टांगे पकड़ के खींच खींच के तोड़ देंगे, किसी दूसरे कुर्सी देते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के और बाकी पार्टियों के कैरेक्टर में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारे पास एक जो विषय आया कि अब नए मुख्यमंत्री को, वो भी मेरा साथी, 28 साल पुराना मेरा साथी, जैसे संजय भाटिया ने बताया, हमने 11 तारीख को तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, 12 को पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और उनको फिर नया मुख्यमंत्री छोड़ दिया, 13 तारीख को सदन में विश्वास मत भी प्राप्त करा दिया ताकि अब 6 महीने आगे कुछ छेड़ ना सके। और उसी के साथ ही करनाल विधानसभा सीट जहाँ से मैं विधायक था, हमने उसी समय छोड़ दी कि 6 महीने से आगे भी जरूर पड़ जाए तो विधायक बन करके आगे भी लंबे समय तक चलते रहे। आज वो भी करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाई बहन, ये बातें बहुत बताई जा सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि 1.5 महीना लगातार पूरे हरियाणा में घूम करके और फिर अपनी लोकसभा में घूम करके मैं नहीं थका हूँ, लेकिन गला जरूर जवाब दे गया। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो मैं अपील करने के लिए आया हूँ और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनका भी, आपका भी, सबका धन्यवाद करने आया हूँ। जैसे कार्यक्रम के संयोजक में भाई अनिल शर्मा नूरवाला, बवेल मंडल के महामंत्री कैलाश पाल, पवन गुगलिया, अनिल बजाज, राशिदास, प्रेम तोमर जी, बिट्टू प्रजापत, नीरज पंचाल, मीना श्रीवास्तव, रफल सिंह दर्शक, चितरंजन देवी बवेल मंडल, पवन पाल जी, संजय त्यागी जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, मेघराज जी पाल समाज, तो और भी नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला करके जिन्होंने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज 22 तारीख, आज 21 तारीख समाप्त हो गई, 22 और 23 प्रचार के तो यही दिन है, 24 को तो चुनाव की तैयारी करनी है और उस दिन अपने आप को पूरे अपने वोटों की चौकसी भी करनी है, क्योंकि जैसे चीजों की चोरी हो जाती है ना, वोट भी कभी कभी चोरी हो जाता है, तो वोट की संभाल करके रखनी है अपने अपने परिवार के बाकी सब, क्योंकि चोर जो है ना ये आपके घर में घुसेंगे और उल्टा सीधा कोई ना कोई अफवाहें फैलाएंगे, झूठ बोल के बहकाएंगे, तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। झूठ की फैक्ट्री तो बहुत जबरदस्त है कांग्रेस की, क्या बोल जाए मालूम नहीं, इन्होंने झूठ बोला है कि हम देश की हर महिला हर नौजवान के खाते में
एक लाख रुपया डालेंगे। अरे स्कूल में पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, राहुल बाबा को ये तो बता दो कि अगर एक लाख रुपया डालोगे तो देश का बजट है 48 लाख करोड़ और ये पैसा 50 लाख करोड़ हो जाएगा। एक ही स्कीम में पैसा डालने के लिए आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा इसका हिसाब नहीं बताते। मोदी जी को योजना बताते हैं तो साथ ही हिसाब बता देते हैं। उन्होंने भी कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, देंगे नहीं बल्कि उनको इस लायक बनाएंगे कि साल में 1 लाख 2 लाख रुपया वो कमा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको काम कराएंगे, शहरों में बाजार बना के देंगे और वो वहां बिक्री करेंगे। एक जम पोर्टल आता है, जम पोर्टल में कहीं से भी कोई भी रजिस्टर कर सकता है, देश दुनिया में कोई भी उसका माल प्रोडक्ट खरीद सकता है। हम उनको जम पोर्टल को डालेंगे ताकि अपना काम काज करें। युवाओं को पढ़ाई के बाद उनको स्किलिंग के कोर्स कराएंगे, बहुत से हुनर से होते हैं, सिखाया जाए तो आज बहुत पैसा रोजगार कमा लेते हैं। तो उस नाते से उनको सिखाएंगे, लोन देंगे 10 लाख से लेकर 20 लाख तक मुद्रा योजना, ये लोन देंगे ताकि वो कमा सकें और उस लोन को वापस कर सकें। पैसा मुकदमे बढ़ाना तो बहुत आसान है लेकिन बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को कमाई करने के रास्ते बताना, कमा के खाएं उसका स्वाभिमान जागता है। बोलो कमा के खाना ठीक या बहुत का खाना ठीक? कमा के खाना ठीक, बोल लिया करो ना सारे। कई बार तो दो आदमी आपस में बहस कर बैठते हैं और बहस में वो कहते हैं तो बहस बहुत ऊंची पहुंच जाए तो बाद में एक दूसरे को धमकाते हैं और धमकाने में वो कहते हैं अरे जा जा मैं अपना खाऊं तेरे बाप का दिया नहीं खाता, यही कहते हैं ना। अपना खाना माने अपने आप काम रोजगार करके खाना, व्यक्ति का स्वाभिमान ये बढ़ता है। दूसरे का खाने से व्यक्ति के मन में हीन भावना आती है, अपने आप को लाचार मजबूर छोटा मानता है और जो इस प्रकार से मांगा खाया, मांगा हुआ या मुफ्त का खाता है एहसान के नीचे दबता है। और जो इस प्रकार से करते हैं कांग्रेस के लोग उनको वोट बैंक के नाते हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं वोट एक ऐसी चीज है हर किसी को अपने मन के हिसाब से देना है। अगर आपने दंड उसको जोरदस्ती करके लालच दे करके बहलाकर फुसलाकर अगर वोट लिया तो ये लोकतंत्र का अपमान है। तो मेरी बात ठीक हो तो एक बार जरा जवाब दीजिए मुझे, मेरी बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना बातें बताने के लिए बहुत है। नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे पावरफुल नेता आज है, चुटकियों में उन्होंने देश के कई मसले हल कर दिए। राम जन्मभूमि चुटकी में हल किया कि नहीं किया? धारा 370 चुटकी में हटाई कि नहीं? कांग्रेस लोग क्या कहते हैं कि अगर इन हाथ भी लगा दिया इनको तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा और खून की नदियां बह जाएंगी, किसी को खरोंच आई क्या? नहीं जी। गरीबों के घर में पानी पहुंचा दिया, घरों में शौचालय ये बनवा दिए, घरों में बल्ब जला दिए और घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। शांत हो जा भाई। और जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनके इलाज के लिए, क्योंकि इलाज का पता नहीं होता कितना पैसा लग जाए, उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा हर परिवार का कराया कि नहीं कराया? कराया। और इसमें और एक बड़ी बात, इस बार के चुनाव पूरा होने के बाद जो हो जाएगी कि जो परिवार के बुजुर्ग 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनका अलग से 5-5 लाख, अगर घर में दादा दादी नाना नानी या कोई ताया ताई हमारे हैं 5-5 लाख उनके और बाकी परिवार के लोग के अलग से 5 लाख हो गए ना 15 लाख। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तो मोदी जी किसी को लालच नहीं देते, मोदी जी जो हो सकते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने देश को मालामाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था, लोगों ने विरोध भी किया था लेकिन आज किसी को महसूस नहीं होता। 2017 में एक टैक्स लगा था, उसका नाम था GST, ये व्यापारी भाई जानते हैं, GST लगा था ना, उसका विरोध किया था ना, किया था, इसलिए किया था कंप्यूटर कहां से आएगा, हिसाब कौन बनाएगा, रोज इंस्पेक्टर खड़ा रहेगा। कुछ साल के बाद वही GST आज लोगों के लिए इतना बढ़िया सिस्टम बन गया कि जो पहले दुकानदार दो दो भैया बनाता था, एक दुकान में बैठ के बनाता था, कोई आ जाए तो दिखा देंगे,
और एक पर्चियां घर में ले जाता था रात को सोते समय दरवाजा बंद करके और भैया लिखता था वो कोई देख ना ले उसको बिस्तर में नीचे दबा के रखता। आज कोई दुकानदार क्या दो भैया बनाता है क्या? कोई दुकानदार भाई बताओ कि दो भैया बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। हर किसी को दिल काटना थोड़ा सा टैक्स है। कहते ना कि क्या बूंद से बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ऐसे बूंद बूंद से सागर भरने वाला काम मोदी जी ने इस पिछले साल के पिछले महीने में देश का जीएसटी 2,00,000 करोड़ रुपए का था। 2,00,000 करोड़ किसी को महसूस हुआ? नहीं हुआ। और उसी में से वो सारे काम कर रहे हैं, सड़कें उसमें से बन रही हैं, रेलवे उसमें से बन रहा है, हमारे जितने भी वायुयान और जितने आकाश में उड़ने वाले ये यान उससे बढ़ते हैं, गरीबों की सहायता ये उसमें से करते हैं, वही वेलफेयर का काम लोकहित का काम ये उस पैसे में से होता है। प्रदेशों को भी पैसा आता है, हम भी जो अपने प्रदेश में काम करते हैं उसमें उसका योगदान है। तो कोई समझदार नेता जिस प्रकार से बलशाली समझदार और सूझबूझ के साथ मोदी जी काम करते हैं, बाकी लोग तो मोदी जी के पास भी बने। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बताने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन मैं नूरवाड़ा के सारे हमारे नागरिकों का बहुत बहुत आभारी हूँ इतनी बड़ी संख्या में आप आए। और जैसे संजय भाटे जी कह रहे थे, नूरवाड़ा का मेरा थोड़ा संबंध भी है, मेरा एक संबंध ये है, मेरे गांव का एक पड़ोसी जिनको मैं चाचा जी कहता था, उनका नाम था प्रभुदान बांगा, और नूरवाड़ा में मास्टर थे बनियाणी के, यहाँ पे आए हुए थे, थोड़े देर रमजान बांगा के शादी में प्राप्ति बन के आया था, ठीक है, ये उनके लड़के हैं हरगोविंद सरपंच के। और याद करो प्रणाम से पूछना रात में आए थे तो दिन की शादी थी और वो पटाखे फुलझड़ियां छोड़ रहे थे और एक आकाश में गई, एक घर के अंदर फूस पड़ा था, पूरी पड़ी थी, उसके अंदर गिर गई, आग लग गई थी। तो भाई प्रभु दयाल, तो ये मेरा नूरवाड़े का संबंध है कि मैं मानता और कुछ करिए मैं करियो, वोट सारे दे दियो, किसी का नाम नहीं है। बहुत बहुत और कर लेना हमारे लोकसभा प्रत्याशी।